सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में भी हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपेंशन जॉइंट या एक्सपेंशन बेलो। तो ये जो एक्सपेंशन जॉइंट या जो बेलो होता है वो क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, कितने टाइप्स के एक्सपेंशन बेलो होते हैं और इनका यूज कब, कहाँ और किस लिए किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एक्सपेंशन जॉइंट या एक्सपेंशन बेलो, तो एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का खिंचाव या फैलना, ठीक है। और जॉइंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जॉइंट करना, ठीक है, जोड़ना, उसी को कहा जाता है एक्सपेंशन जॉइंट। ये एक तरह का अरेंजमेंट है, एक तरह का डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग दो पाइप को एक साथ जोड़ते हैं और इसका एक खास पर्पस के लिए इसको जोड़ा जाता है, इसका यूज किया जाता है, जिसको अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो एक्सपेंशन जॉइंट को ही एक्सपेंशन बेलो कहा जाता है। और ये जो एक्सपेंशन बेलो होता है वो एक तरह का पाइप जॉइंट होता है जो पाइप को कनेक्ट करने के लिए, उसे जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो पाइप है, ओके, अब हमको इसको जोड़ना है। तो हम लोग इसको, अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसको हम लोग वेल्डिंग के द्वारा या किसी रिजिड आपका कपलिंग के द्वारा इसको हम लोग जोड़ दिए और फिर अगर किसी कारण से ये एक्सपेंशन करेगा, मान लीजिए इसके अंदर जो हॉट फ्लूड को हम लोग फ्लो कराएं जिसके कुछ टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर के कारण क्या होगा, ये एक्सपेंशन होना चाहेगा, ठीक है। इधर भी सपोर्ट लगा है, मान लीजिए इधर भी एक सपोर्ट है, तो ये जब एक्सपेंशन होगा तो इसे एक्सपेंशन होने की जगह नहीं मिलेगी, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ये आपका मिस अलाइन हो जाएगा, जिसके वजह से ये डैमेज भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके पीछे फिर एक दिमाग लगाया गया। तो वो वहां पर जो हम लोग जॉइंट लगाए, चाहे वेल्डिंग किए, चाहे आपका रिजिड कपलिंग लगा दिए या आपका कोई फ्लैंज कपलिंग लगा दिए, तो इस तरह से अगर जो इसको हम लोग जॉइंट किए हैं तो उस तरह से वहां पर उसको यूज ना करके उसमें कुछ अलग अरेंजमेंट यूज कर देंगे ताकि जो एक्सपेंशन होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो उसको अलाउ करेगा, ठीक है, उससे पाइप को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए फिर आया ये एक्सपेंशन जॉइंट। तो उस रिजिड कपलिंग के जगह हम लोग क्या कर देंगे, इस एक्सपेंशन जॉइंट को जो है लगा देंगे। अगर इसको लगा देंगे तो क्या होगा कि जिस तरह से आप देखे होंगे जो बाइक में या गाड़ी में जो सोकर लगे होते हैं, जो स्प्रिंग टाइप का होता है, तो क्या होता है, वो वाइब्रेशन जर को अलाउ करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो जर्किंग जो होता है वो महसूस नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो ठीक यहां पर भी वही चीज होता है, एक स्प्रिंग टाइप का एक जॉइंट लगा दिया जाता है जिससे वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करता है, ठीक है, वाइब्रेशन हो चाहे शॉक है वो उसको भी अलाउ करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो उसी चीज को कहा जाता है एक्सपेंशन जॉइंट या एक्सपेंशन बेलो। तो अरे कहना क्या चाहते हो, तो इसको हम लोग और कैसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सपेंशन जॉइंट या बेलो इज ए फ्लेक्सिबल एलिमेंट विच इज यूज टू एब्जॉर्ब थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिफ्लेक्शन और टोर्शन एंड रिड्यूस शॉक और वाइब्रेशन इन ए पाइपिंग सिस्टम। तो एक्सपेंशन जॉइंट क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट होता है जिसका यूज हम लोग पाइपिंग सिस्टम में करते हैं, किस लिए, तो थर्मल एक्सपेंशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे अलाउ करने के लिए, साथ में कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे डिफ्लेक्शन हो जाए, चाहे कुछ टॉर्शन हो या शॉक या वाइब्रेशन हो, वो उसको अलाउ करे, उसको एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो इस तरह से वो उसे एब्जॉर्ब करके और अलाउ करके, वो रेजिस्ट करके, वो हमारे पाइपलाइन को सेफ्टी प्रदान करता है, उसको सेफ रखता है, ठीक है। तो उसी चीज को एक्सपेंशन जॉइंट कहा जाता है। तो डेफिनेशन से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसका किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो एक्सपेंशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, टॉर्शन के लिए, शॉक और वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, उसे रजिस्ट करने के लिए, ओके। तो इसी वजह से किसी पाइपलाइन में अगर वहां रिक्वायरमेंट है कि वहां थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, या डिफ्लेक्शन, टॉर्शन, या शॉक या वाइब्रेशन हो सकते हैं, तो वहां पर आपका एक्सपेंशन जॉइंट या एक्सपेंशन बेलो का यूज किया जाता है। तो यही इसका पर्पज होता है। अच्छा, तो ये फोटो देखिए, ये ही एक तरह का एक्सपेंशन जॉइंट या एक्सपेंशन बेलो होता है। जो ये उस बेलो में जो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्प्रिंग टाइप का, तो उसको कहा जाता है कन्वोल्यूशन। और वही हीटिंग के दौरान आपका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे आपका पाइपलाइन जो होता है वो सेफ रहता है, ओके। तो यहाँ पर जो हम लोग फोटो में देखे वो एक तरह का मेटेलिक बेलो है, लेकिन इसके कई टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बेलो होता है। इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट के अनुसार, इसके एप्लीकेशन के अनुसार कई तरह के बेलो जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो मेन जो तीन टाइप का जो बेलो होता है उसके बारे में यहां पर देखेंगे, जिसमें से पहला जो है वो है मेटालिक बेलो या मेटल एक्सपेंशन जॉइंट, दूसरा जो है वो फैब्रिक एक्सपेंशन जॉइंट, और तीसरा जो है वो है रबर एक्सपेंशन जॉइंट। अब इसके भी अपने सब कैटेगरी होते हैं, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं डिजाइन और एप्लीकेशन के अनुसार, जिसमें अगर मेटालिक एक्सपेंशन जॉइंट को देखेंगे तो ये भी आपका कई तरह के होते हैं, यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं। और इसको आप फोटो के साथ देखिए और भी ज्यादा आपकी क्लैरिटी आएगी और भी अच्छा से आपको जो टॉपिक है वो
क्लियर होगा। और ये जितने भी सब कैटेगरी होते हैं इनका एक खास रीजन के वजह से इनका यूज किया जाता है कि कहाँ पर कितना एक्सपेंशन हो रहा, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा, डिफ्लेक्शन हो रहा, उसके अनुसार से इसका यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग मेटेलिक एक्सपेंशन जो जॉइंट होता है उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो मेटेलिक एक्सपेंशन जॉइंट होता है इसका मतलब है कि वो मेटल का बना होता है, ठीक है, इसलिए इसको मेटेलिक एक्सपेंशन जॉइंट या मेटल एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। और जो ये मेटल का बना होता है वो जनरली स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इट इज यूनिवर्सल एंड यूज मैक्सिमम प्लेसेस। ये एक तरह का यूनिवर्सल होता है, यानी कि इसका यूज मैक्सिमम जगह किया जाता है और वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो होता है पाइपलाइन में, ठीक है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए, उसको अलाउ करने के लिए वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फैब्रिक एक्सपेंशन जोन, जो कि फैब्रिक का बना होता है और ये भी जनरली आपका PTFE का बना होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है और ये एक तरह का एंटी कोरोजन होता है। तो खासकर इनका उन जगह पर किया जाता है जहां पर करोजन का खतरा होता है, साथ में जहां पर केमिकल अटैक का खतरा होता है, जिस लाइन में अगर केमिकल फ्लो कर रहा तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। तो जो केमिकल वाले फैक्ट्री होते हैं तो वहां पर उसके पाइपलाइन में आपका फैब्रिक एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो यूज किया जाता है। साथ में इसका यूज उस पाइपलाइन में किया जाता है जहां पर हॉट एयर या कोल्ड एयर का फ्लो होता है, ठीक है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो गैस हो, चाहे फ्लू गैस हो। जैसे आपने बॉयलर में भी देखा होगा जो फ्लू गैस जो डक्ट होते हैं वहां पर आपका फैब्रिक बेलो, या एयर लाइन में भी आपने देखा होगा तो वहां पर फैब्रिक बेलो का ही यूज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है रबर एक्सपेंशन जोन, जो कि रबर के ही बने होते हैं। इनका यूज खासकर उन जगहों पर किया जाता है फॉर एब्जॉर्ब नॉइज, थर्मल एक्सपेंशन, वाइब्रेशन, सच इन कूलिंग टावर पंप्स, कंडेंसर, चिलर्स, एक्सेट्रा। अब ये चूंकि रबर के बने होते हैं तो ये अच्छा से आपको वाइब्रेशन को, नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो कूलिंग टावर वाले जो पंप होते हैं या कंडेंसर इनलेट में भी आपने देखा होगा कि वहां पर जो इस तरह के आपके एक्सपेंशन जॉइंट जो होंगे जो रबर टाइप का होता है वहां पर यूज किया जाता है। साथ में इसका यूज कंडेंसर चिलर में यूज किया हुआ मिलेगा। तो यही हो गया आज के वीडियो में। तो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।